हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 17 मार्च 2024 को मूल्यांकन परीक्षा होना है, यानी जो मूल्यांकन होना है साक्षरों का, उसके लिए रिजल्ट शीट भरी जाना है। किस प्रकार से रिजल्ट शीट भरना है उसकी संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आपको एक्सेल शीट, गूगल शीट किस प्रकार से भरना है, पंजीकरण संख्या किस प्रकार से बनाना है, अनुवीक्षण प्रपत्र किस प्रकार से भरना है और परीक्षा आयोजन से लेकर रिजल्ट तक की संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में उपलब्ध है फ्रेंड्स। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही फिलन संबंधी समस्त नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम रिजल्ट शीट की बात करने वाले हैं जो परीक्षा के दिन भरना है, साक्षरों की जिस दिन परीक्षा होनी है। फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन के पश्चात में रिजल्ट शीट भरना है वो 19 कॉलम की है। उसके हर कॉलम में क्या जानकारी अंकित करना है, किस प्रकार से उसको भरना है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम शीट में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम शीट को किस प्रकार से भरना है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा 17 मार्च 2024 के लिए रिजल्ट शीट है। और आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऊपर कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा 17/3/2024। अब फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ऊपर ही देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा जिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जिस जिले से हो उस जिले का आपको नाम अंकित करना है, उसके आगे बढ़ेंगे तो विकासखंड का नाम, उसके आगे शाला का नाम। शाला का नाम से तात्पर्य फ्रेंड्स जहाँ पर परीक्षा केंद्र, जहाँ पर परीक्षा ली जा रही है उस परीक्षा केंद्र, उस शाला का नाम आएगा और उसी का डाइस कोड आ जाएगा नीचे। आप देख सकते हैं डाइस कोड दिया। फिर संकुल का नाम और ग्राम का नाम, यानी जहां पर परीक्षा ली जा रही है फ्रेंड्स उस ग्राम का नाम, जहां पे वो शाला स्थित है जिसे परीक्षा केंद्र बनाया गया, उस शाला का नाम। अब फ्रेंड्स, कॉलम बाय कॉलम हम इन 19 कॉलमों की जो रिजल्ट शीट किस प्रकार से भरना है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम स्क्रीन पर इस रिजल्ट शीट को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि हर कॉलम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें जो पहला कॉलम है वो दिया गया है ऐसे, यानी सरल क्रमांक का दिया गया है और इस पे कॉलम भी अंकित है, आप देख सकते हो। और यदि अंकित नहीं है तो हमें यहाँ पे सरल क्रमांक लिखना है। नंबर 2 में लिखा हो नेम ऑफ लर्नर, यानी जो असाक्षर है जिसकी परीक्षा ली जा रही है उसका यहाँ पे नाम अंकित करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका नाम अंकित कर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो फादर्स एंड हस्बैंड्स नेम, यानी कोई जेंट्स है, पुरुष है तो उसके फादर्स नेम, यानी उनके पिताजी का नाम आएगा। और यदि कोई लेडीज़ है, फीमेल है, तो उनके हस्बैंड का नाम आएगा। नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें लिखा है मदर्स नेम। तो फ्रेंड्स, मदर्स नेम में चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनकी माताजी का नाम आएगा, उनका मदर्स नेम आएगा। फिर अगले कॉलम में हम बात करें तो लिखा हुआ है मैरिड, वाई अब्लिक एन, यानी यस या नो, यदि मैरिड है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना, आप सभी जानते हैं। फिर अगला कॉलम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एज इन एयर्स, यानी वर्षों में उनकी उम्र लिखना है। आगे लिखा हुआ जेंडर, मेल है, फीमेल है या जो भी अदर है, आपको वो लिखना है फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो दिव्यांग जन का दिया गया है, यानी दिव्यांग यदि है तो यहाँ पे यस लिखना है और नहीं है तो एन लिखना है, यानी नो लिखना है। अगले कॉलम की हम बात करें तो मोबाइल नंबर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हो इस कॉलम में मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद में लिखा है आधार नंबर। आधार नंबर फ्रेंड्स जो दिया गया है इसमें लिखा हुआ है आवश्यक नहीं है, यदि आपको आसानी से आधार नंबर उपलब्ध हो गया तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अगले कॉलम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें कैटेगरी दी गई, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में आप देखेंगे तो डेट ऑफ असेसमेंट टेस्ट, यानी परीक्षा किस दिन हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 17/3/2024 आ जाएगा। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है मार्क्स इन रीडिंग, मार्क्स इन राइटिंग, मार्क्स इन न्यूमरेसी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो 3 भागों में होगा। और आप सभी जानते हो, आपने पहले भी परीक्षा संपन्न करवाई है, उसी प्रकार से आप देख सकते हो, यानी इस प्रकार से इसमें पढ़ना, लिखना एवं संख्यात्मक, इस प्रकार से 3 भाग होंगे और प्रत्येक भाग के अंक विभाजित होंगे फ्रेंड्स, यानी एक भाग 50 अंक का, दूसरा भाग 50 अंक का, तीसरा भाग 50 अंक का, इस प्रकार से 150 अंकों का टोटल होगा। अब हम रीडिंग की बात करें यानी पढ़ना की बात करें तो फ्रेंड्स पढ़ना में जितने अंक प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से मार्क्स इन राइटिंग यानी लिखना में जो अंक प्राप्त हो रहे हो यहाँ पे लिख देंगे। और न्यूमरेसी यानी संख्यात्मकता में जो संख्या ज्ञान में जितने अंक प्राप्त हो रहे हो वो लिख देंगे। इस प्रकार से 3 कॉलमों के अंक प्राप्त कर देंगे और टोटल मार्क्स यानी 3 में प्राप्त हुए का टोटल यहाँ पे कर देंगे। इसी प्रकार से हम जो
असाक्षर व्यक्तियों का मूल्यांकन करेंगे। उसके लिए जो प्रश्न पत्र प्राप्त होगा उसके फ्रंट पेज पर भी इसी प्रकार का क्रम दिया होगा। तीनों के हमको अलग अलग अंक प्राप्तांक लिखना है और टोटल में से जितने अंक आएंगे वो लिखना है। इस प्रकार से दिया रहेगा फ्रेंड्स। इस प्रकार आगे लिखा हुआ रिजल्ट लर्नर यानी जो असाक्षर व्यक्ति है जिसकी परीक्षा ली जा रही है उसका रिजल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए जो पत्र शासन से प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट दिया कि प्रत्येक विषय में पास होना अत्यंत आवश्यक है यानी 33% से अधिक अंक प्राप्त होगा तो लर्नर है वह पास हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। और यदि वो पास नहीं हो पाता है तो उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार का उसमें दिया गया वो लिखना है फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो समग्र आईडी की बात करें तो फ्रेंड्स 9 अंकों की समग्र आईडी होती है वह आईडी यहाँ पे लिखना है यानी जो सदस्य की आईडी होती है 9 अंकों की वह लिखना है। और लास्ट में आप देखें तो अक्षर साथी का नाम यानी जो अक्षर साथी है जो इनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो सामाजिक चेतना केंद्र का संचालन कर रहे हैं उन अक्षर साथियों का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो शीट है ये 19 कॉलम की है और इसमें किस प्रकार से आपको जानकारी अंकित करना है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।